आज का दिन हमारा शुरू हो चुका है, बल्कि अभी तो खत्म भी होने वाला है। फिर हम मेले पे जाएंगे और आपको सारे शुगल दिखाएंगे। और हाँ भाई सुना, किधर जा रहे हैं? भैंस दिखाने वाला हूँ जिसकी छह टांगे हैं। पूछा मैंने कुछ ये छोटे बच्चे आगे ऑलरेडी जंप कर रहे हैं। तो एक हमें स्टॉल मिला है, इसमें हर चीज 150-150 रुपए की है। ये देखें, ये सब कुछ आपको 150-150 रुपए में मिलेगा। अभी हम सब ने खाना खाया तो हम फिर जा रहे हैं मेले की तरफ। आज भी हमारे ब्लॉग का हिस्सा बन गया है। पिछले साल ये से इकट्ठे आसे और मोड़े से इकट्ठे हो गया। पूछा मैंने कुछ असनाथ, शर्म तो नहीं आ रही बुरे काम करते हो? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। यार अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बहुत तेज हो रहे हैं। आज का दिन हमारा शुरू हो चुका है, बल्कि अभी तो खत्म भी होने वाला है। 5 बज रहे हैं तो अब हम जा रहे हैं, इधर हमारे पड़ोस में एक मेला लगता है, ठीक है, हर साल हम जाते हैं उधर के, चलते हैं मेला देखने चलते हैं। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं, अभी हम इधर से निकलेंगे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जुबैर भी जा रहा है, शान भी जा रहा है। ओ सामने गड्डी का सौदा कर रहे हैं, कोई मती दिखा रहे हैं। हाँ भैया सुना, किधर जा रहे हैं? पूछा मैंने कुछ। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं मेले पे, तो ये पीछे मेले का व्यू है, आपको जाके दिखाते हैं। कि मैं मती लोगों के साथ गाड़ी में बैठ के आ गया था, तो अमजद लोग मोटरसाइकिल पे थे, वो आ गए। क्योंकि आज मेले का आखिरी दिन था तो बहुत ही ज़्यादा रश था, आप बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं वीडियो देखकर, तो बड़ी मुश्किल से इधर मैंने वीडियो शूट की। अभी हम पहुंचे हैं इस जगह, इसे मौत का कुआं भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बड़े करतब दिखाए हमें और हाथ छोड़कर बाइक चलाया इस कुएं के अंदर, और यकीनन चला ये रहे थे और डर हमें लग रहा था। अचानक मुझे अपने एक दोस्त पर नज़र पड़ी, ठीक है, तो मैं लोगों में से गुजरता हुआ अपने दोस्त के पास पहुँचा और उसके साथ एक क्लिप छोटा सा बनाया। ये असदुल्ला भाई हैं, चूँकि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पीछे बहुत ऊँचे ऊँचे सॉन्ग लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा शोर था, इसलिए हमने इसकी आवाज़ जो है वो म्यूट की हुई है। मौत का कुआं देखने के बाद हमें मिला है एक क्यूट सा हमारा छोटा सा फैन। यकीन माने मेरा कोई दिल नहीं था बेड़े पे बैठने का, तो ये मुझे ज़बरदस्ती बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई छोटा सा चिड़िया घर लग रहा है, चलें इसे देखते हैं जाके। पूछा मैंने कुछ। अब हम आ चुके हैं छोटे चिड़िया घर में, आपको जानवर दिखाऊंगा। ये लोग मुझे ना काफी कन्विंस कर रहे हैं कि आप ना बेड़े पे चढ़ो, लेकिन मैं नहीं चढ़ना चाहता। मैं एक दफा इस बेड़े पे मैंने झूला लिया था पिछले साल, तो मैं आधा घंटा जो है वो उल्टियाँ करता रहा था। आज सब लोग जोर लगा रहे हैं कि तुम ना झूला लो, लेकिन मैंने नहीं लेना। अब ये छोटा सा चिड़िया घर है वो देखने आया, इसके बाद इन्होंने उस झूले पे झूला लेना है, मैंने नहीं लेना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। जब हम आया तो शेर जो है वो सो रहा था, मेरे ख्याल से तो बेचारा भूखा मरा पड़ा है। अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ, भैंस दिखाने वाला हूँ जिसकी 6 टांगे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक की कुदरत है, 6 टांगों वाली भैंस मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो बंदा पहली दफा मेले पे आए तो इस जैसे हरकतें करता है। आज तो बड़ी चस जा रहे हैं मेले दे। मेरा बंदा पता नहीं, मैं इंजीनियर लग करें नहीं आ रहा।
ये शेख साहब अभी आ चुके हैं। हाँ जी असनात, क्या मजा आ रहा है मेले में? ये सारी प्लानिंग हो रही है सामने। जुबैर जो है वो अमजद को कह रहा है कि शिराज को ज़रूर बिठाना है बेड़े में, लेकिन मैं साइड साइड पे ही हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ये ज़्यादा है, मैं अकेला हूँ। काका मैं इतने कुर्सी तो बैठ थोड़ा चलाऊंगा यार। अच्छा फाइनली हम बेड़े में बैठ चुके हैं, काफी उन्होंने कन्विंस किया है, उसके बाद जो है वो मुझे बिठाया। सारे आ गए, मेरी हालत बड़ी खराब होती है दौराने झूला, लेकिन इन्होंने मजबूर बहुत किया। मेरा दिल धक 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 कर रहा है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। उस झूले से हम लोग हुए हैं फ्री, तो अब जो है जंपिंग वाले के ऊपर आए हैं, लेकिन ये छोटे बच्चे आगे ऑलरेडी जंप कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इन बच्चों के साथ जो है वो जंप करूं। बात सही है, मुझे एक जगह पे ये खड़े भी नहीं होने दे रहे, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। नीचे दोस्त मेरे कह रहे हैं कि हमने भी आना है, मैंने कहा अभी बच्चों को उतरने दे, तो फिर जो है वो आपको मैं कहूँगा कि आप भी आ जाइए। अमजद का प्लान था, अमजद का प्लान था मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। एक हमें स्टॉल मिला है, इसमें हर चीज 150-150 रुपए की है। ये देखें, ये सब कुछ आपको 150-150 रुपए में मिलेगा, ये सारी चीजें। तो हम भी बाय करेंगे, लेकिन हम घर से वापसी भी आएंगे तो फिर हम बाय करेंगे। ये रूलर है, ये भी 150 रुपए का। तो अभी हम सारे मती के घर आए हैं, इधर सब ने खाना खाया है, अब सब चाय पियेंगे और इंशाल्लाह फिर मेले की तरफ लौट जाएंगे। अब मती से फ्री हुए हैं, तो अब हम सब फिर जा रहे हैं मेले पे बाइक्स पे। तो मती का घर बिल्कुल मेले के साथ ही था, तो लेट्स गो चलते हैं और आपको अब शुगल दिखाते हैं। और हाँ, एक और चीज़ आपको दिखाता चलूं कि यार जिन बुज़ुर्गों के नाम पे ये मेला लगता है, ये उनका दरबार शरीफ है, और इनके दरबार के अंदर एक बल्ब तक किसी ने नहीं जलाया। तो यार पीछे ना ऊंचे ऊंचे गाने लगे हुए थे, इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट किया। तो सारे झूले लेने के बाद ये एक झूला बचा है बच्चों वाला, तो हमने कहा ये भी लेते हैं और फिर व्लॉग को करते हैं एंड। चलें जी, हमारी लास्ट राइड जो है बैलगाड़ी, वो भी स्टार्ट हो चुकी है, और देखें कितनी स्पीड में जो है ये घूम रही है। ठीक है, ये तो झूला दे रहे हैं वो हमें, अब नेक्स्ट जो दिखाता हूँ जो हमने खुद झूला लिया अपनी मदद आपके तहत। ये देखें, झूला रुकने के बाद भी ये अपना काम जारी रखे हुए हैं। असनात शर्म तो नहीं आ रही, बुरे काम करते हो। तो हमने माशाल्लाह से मेले को खूब एंजॉय किया है, तो अब व्लॉग को एंड करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। व्लॉग को पूरा देखिएगा, ये बच्चे गौर से देख रहे हैं हमारी तरफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इतने तक हमें दीजिएगा इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। लो जनाब।